जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चंद्र ग्रहण से जुड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। आप सभी को पता होगा कि 19 नवंबर यानी कि कल चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। 580 साल के बाद ये चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इसकी जो विशेषताएं हैं वो 580 साल बाद देखने को मिलेंगी। तो आइए जानते हैं इस चंद्र ग्रहण से जुड़ी कुछ अति महत्वपूर्ण जानकारी और जानते हैं कि ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं। 19 नवंबर को साल 2021 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। विज्ञान के नजरिए से तो ग्रहण महत्वपूर्ण होता ही है, साथ ही साथ इसका ज्योतिषी महत्व भी बहुत अधिक माना जाता है। इस ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद 4 दिसंबर को सूर्य ग्रहण भी लगेगा। माना जा रहा है कि 19 नवंबर का ग्रहण 580 साल में लगने वाला सबसे लंबा आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। इससे पहले साल 1440 में ऐसा ग्रहण लगा था। अब इसके बाद इतना लंबा आंशिक चंद्र ग्रहण 8 फरवरी 2669 में लगेगा। जानिए कैसे और कहां इस अद्भुत खगोलीय घटना का आप अनुभव कर पाएंगे। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को लग रहा है। ये आंशिक चंद्र ग्रहण होगा लेकिन भारत में उपछाया चंद्र ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। ग्रहण वृषभ राशि और कृतिका राशि कृतिका नक्षत्र में लगने जा रहा है। ग्रहण भारत, अमेरिका, उत्तरी यूरोप, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागरों के कुछ क्षेत्रों में दिखाई देगा। भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसीलिए भारत में चंद्र ग्रहण का सूतक नहीं लगेगा। चंद्र ग्रहण के समय की बात करें तो ग्रहण की शुरुआत सुबह 11:32 से होगी और इसकी समाप्ति शाम 5:33 पर होगी। आंशिक चंद्र ग्रहण की अवधि 3:26 की होगी। उपछाया चंद्र ग्रहण की अवधि करीब 6 की होगी। चंद्र ग्रहण से 9 पहले सूतक काल शुरू हो जाता है जो ग्रहण की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाता है। ग्रहण का सूतक काल लगते ही सभी तरह के शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है। इसी दौरान पूजा पाठ इत्यादि करने की भी मनाही होती है। इस अवधि में भोजन करने से भी परहेज किया जाता है। लेकिन 19 नवंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण का सूतक काल नहीं लगेगा क्योंकि ये एक उपछाया चंद्र ग्रहण है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस ग्रहण का सूतक नहीं माना जाता, इसलिए इस दौरान किसी भी तरह के कार्यों पर पाबंदी नहीं होगी। चंद्र ग्रहण का किन किन राशियों पर असर पड़ेगा तो चंद्र ग्रहण तुला, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए शुभ होगी। वहीं मेष, वृषभ, सिंह और वृश्चिक राशि के लिए यह ग्रहण अच्छा नहीं माना जा रहा। इन राशि वालों को विशेष सावधानी बरतनी। तो दोस्तों ये थी चंद्र ग्रहण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण विशेष जानकारी। लेकिन यदि आप भारत के वासी हैं, भारत में रहते हैं, तो आपको इस चंद्र ग्रहण का कोई भी परहेज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और इसीलिए इसका सूतक काल भी नहीं होगा। लेकिन यदि आप भारत से बाहर किसी अन्य देश में रहते हैं तो वहां पर आपको चंद्र ग्रहण का प्रभाव अवश्य देखने को मिलेगा, इसलिए आपको इसके सूतक काल को भी मानना होगा, जिसकी अवधि जो समय है वो मैंने आपको वीडियो के अंदर बता दिया है। आप उस वीडियो के अनुसार, उस समय के अनुसार अपने सूतक काल का विशेष ध्यान रख सकते हैं और उस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ कार्य ना करते हुए सिर्फ भगवान की भक्ति पूजा पाठ करें ताकि उसका शुभ परिणाम आपको मिले और अशुभ फल से आप बचे रहें। जय श्री राम दोस्तों।